हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बाकी, लेकिन राजनीतिक दलों ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। बीजेपी ने 67 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए तो कांग्रेस ने सिर्फ 41 सीटों पर ही उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया। इस तरह से दोनों ही दलों की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद उभरे सियासी हालात के चलते स्थिति को समझा जाएगा, लेकिन कांग्रेस में हो रही देरी की वजह क्या? कांग्रेस की 41 उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी करने के बाद 39 सीटों पर टिकट घोषित हो गई हैं। कांग्रेस का पेच आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की मजबूरी के चलते अटका हुआ है, बल्कि ये पार्टी नेताओं की खेमाबंदी मानी जा रही है। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दावेदार अधिक हैं और अलग अलग खेमों से जुड़े हुए हैं। इन सीटों पर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपने अपने नेताओं को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं, जिसके चलते पेच फंसा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है, जिसके चलते टिकट का मामला नहीं उलझा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे में सिर्फ 5 से 7 सीटों का मामला है, लेकिन होल्ड पर 39 सीटें हैं। हरियाणा में कांग्रेस बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी को 5 से 6 सीटें देना चाहती है, इसलिए गठबंधन से ज़्यादा मामला कांग्रेस नेताओं की खेमाबंदी में है, क्योंकि वो सभी अपने अपने करीबियों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अजय सिंह यादव और चौधरी बीरेंद्र सिंह के गुट सक्रिय हैं। भूपेंद्र हुड्डा के विरुद्ध में सैलजा, सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव एक साथ हैं, जबकि बीरेंद्र सिंह अभी दोनों खेमे पर हाथ रखे हुए हैं। कांग्रेस के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट में हुड्डा का दबदबा दिख रहा है। तीनों ही नेता अपने चाहतों को टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान कई बार मंथन के बाद, बड़े विवाद के बाद खत्म करने का रास्ता तलाश रहे हैं, जबकि कुमारी सैलजा अपने 4 करीबी नेताओं को प्रत्याशी बनवाने में कामयाब रहीं, तो अजय यादव और बीरेंद्र सिंह ने अपने अपने बेटे को टिकट दिला दिया। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों की लिस्ट में देखें तो कुमारी सैलजा के करीबी प्रदीप चौधरी को कालका, शैली चौधरी को नारायणगढ़, रेणु बाला को सड़ैरा से और शमशेर गोगी को असंध सीट से प्रत्याशी बनाया गया। अजय सिंह यादव अपने बेटे चिरंजीव राव को फिर से टिकट दिलवाने में कामयाब हुए। ऐसे में चौधरी बीरेंद्र ने भी अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस से उम्मीदवार बना दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली में डेरा डाल दिया। वहीं सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने हाईकमान के सामने अपने चाहतों की मजबूत पैरवी कर दी। वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए बकायदा नामों की सूची भी सौंप चुके हैं। कांग्रेस के जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उनमें हिसार, सिरसा, कैथल, पानीपत और जिन जिले की विधानसभा सीट शामिल है। कुमारी सैलजा की नज़र हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले की विधानसभा सीटों पर है, जहाँ से अपने करीबी नेताओं को कांग्रेस से टिकट दिलाने के लिए पैरवी कर रही है। इसी तरह से रणदीप सुरजेवाला कैथल और जींद जिले की सीटों पर अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलाना चाहते हैं। ऐसे ही अजय यादव भी दक्षिण हरियाणा, खासकर अहीर बेल्ट वाली सीटों पर अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।